एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। 15% वेतन वृद्धि वेतन निर्धारण से पूर्व अनई शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश हुआ जारी। आखिर ये किस जिला का खबर है और किन कारणों से इन शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। ये खबर आपको दरभंगा जिला के है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 19 अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश डीपीओ स्थापना ने गुरुवार को जारी कर दिया। डीपीओ स्थापना संदीप रंजन ने बीओ को जारी पत्र में संबंधित नियोजन इकाइयों को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है। इनमें 2 प्रखंड शिक्षक एवं 3 पंचायत नियोजन इकाई के 17 शिक्षकों का नाम भी शामिल है। इन शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के 12 नवंबर 2020 के आदेश के आलोक में सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। सरकार ने सेवा प्राप्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित हासिल करने के लिए अंतिम डेडलाइन दिया था। इस बीच में सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड का विशेष सत्र का संचालन किया था, जिसमें जिले के हजारों अप्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रशिक्षण हासिल किया था। डीएलएड की विशेष प्रशिक्षण की फाइल परीक्षा में बड़ी संख्या में फेल होने पर फिर से परीक्षा देने का मौका दिया गया था। उसके बाद भी प्रशिक्षण हासिल नहीं करने वाले शिक्षकों को हटाया गया है। इससे पहले भी डीओ के आदेश पर डीपीओ स्थापना की ओर से प्रखंड के अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रखंड में अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने की कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद दूसरे प्रखंड के भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। डीपीओ स्थापना के आदेश के बाद कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार एवं अंजू कुमारी को कहा गया है कि इसी प्रकार के पंचायत सचिव सुघराइन के 6 पंचायत सचिव इटहर के 10 और पंचायत सचिव उजवा सीमर टोला के 1 शिक्षक को सेवा मुक्त की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है। आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें अनेक शिक्षक का नाम भी है और विद्यालय का नाम भी है और नियोजन इकाई का भी नाम है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।